स्टडी आई क्यू आई एस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल एवरा ऑफ मॉड्रिट्स एटीन एटी फाइव टू नाइनटीन हंड्रेड फाइव वेलकम टू स्टडी आई क्यू मेरा नाम है आदेश सिंह दोस्तों हमने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे 1857 की क्रांति के बाद भारत में नेशनलिज्म के करंट्स शुरू होते हैं कैसे वेरियस पॉलिटिकल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का गठन होता है और किस तरह वो ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉटेशन को आम जनता के सामने उजागर करते हैं हमने ये भी देखा कि किन कारणों से नेशनल मूवमेंट की शुरुआत हुई और कैसे इस मूवमेंट ने खुद को सस्टेन किया आइए अब हम बात करेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के नेक्स्ट फेज की जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ और जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को एक नया मोड़ दिया आइए शुरू करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन की कहानी से फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस आने वाले समय में इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को लीड करने वाला अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनने वाला था लेकिन इसके फॉर्मेशन का इतिहास काफी इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्सी का मुद्दा रहा है ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन का क्रेडिट कई हिस्टोरियंस एक रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट एओ ह्यूम को देते हैं न कि इंडियन लीडर्स को इस आर्ग्यूमेंट को हम सेफ्टी वैल्व थ्योरी के नाम से जानते हैं दोस्तों सेफ्टी वैल्व थ्योरी कहती है कि ब्रिटिशर्स ने 1857 की क्रांति को देखा था और उन्हें यह मालूम था कि इंडियन पॉलिटिकल सिचुएशन फिर से ऐसे कई मेजर रिबेलियंस को जन्म दे सकती थी इसलिए वो चाहते थे कि ऐसी टेंशन्स को अवॉइड किया जा सके और इसका सबसे अच्छा तरीका था इंडियंस को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर उनके गुस्से और डिसंचैंटमेंट को बिल्डअप होने से रोकना ये एक साइकोलॉजिकल गेम की तरह देखा जा सकता है जहां नाराज इंडियंस अपनी एनर्जी को एटलीस्ट डिस्कस कर सकें जो उन्हें एक सेंस ऑफ एम्पावरमेंट देने में हेल्प करेगा भले ही उनकी एक्चुअल कंडीशन में कोई बदलाव आए या ना आए इसलिए इस थ्योरी के प्रमोटर्स कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन ए ओ ह्यूम द्वारा इंडिया के वाइस रॉय लॉर्ड डफरिन ने किया था न कि इंडियन नेशनलिस्ट्स ने ऐसे दावे किए जाते हैं कि ए ओ ह्यूम ने डफरिन के अलावा कई और ब्रिटिशर्स जैसे सर जेम्स कैड लॉर्ड रिपन जॉन ब्राइट एटसेट्रा के साथ भी मीटिंग्स की थी इसके अलावा कई ब्रिटिशर्स जैसे सर विलियम वेडबर्न जॉर्ज यूल चार्ल्स ब्रैडलो एटसेट्रा ने हमें इस एंडेवर में सपोर्ट भी किया था हालांकि ये थ्योरी हिस्टोरियंस द्वारा लार्जली रिजेक्ट की जा चुकी है लेकिन फिर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस में ब्रिटिश कॉन्ट्रीब्यूशन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता ब्रिटिश कॉन्ट्रीब्यूशन को खुद गोपाल कृष्ण गोखले ने 1913 में डिस्क्राइब किया और कहा था कि बिना इंग्लिश सपोर्ट के आईएनसी जैसा कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फ़ॉर्म नहीं हो पाता क्योंकि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती तो किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को इजीली सप्रेस कर सकती थी इसीलिए गोखले खुद लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी में बिलीव करते थे इस थ्योरी के हिसाब से ब्रिटिशर्स ने आईएनसी को फॉर्म नहीं किया बल्कि इंडियन नेशनलिस्ट्स ने ब्रिटिशर्स की सहायता से आईएनसी को फॉर्म किया ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडियंस के खिलाफ डिस्ट्रस्ट के माहौल में भी आई सर्वाइव कर सके और इंडियंस की डिमांड्स को वॉइस मिल सके इसके अलावा आईएनसी में कई इंडियन लीडर्स का रोल क्रूशल था जो ये बताता है कि एओह्यूम का आईएनसी के फॉर्मेशन में रोल लार्जली फैसिलिटेटर की तरह था इंडियन लीडर्स ने ही आईएनसी को एक स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन की तरह डेवलप किया जिसमें दादा भाई नारोजी बदरुद्दीन तैयबजी फिरोज शाह मेहता आनंद चार्लू एस एन बैनर्जी आर सी दत्त ए एम बोस गोपाल कृष्ण गोखले जस्टिस राणाडे और बाल गंगाधर तिलक जैसे इंपॉर्टेंट लीडर्स थे आईएनसी में कई वुमेन लीडर्स का भी कंट्रीब्यूशन रहा जैसे 1890 में कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट कादम्बिनी गांगुली पहली वुमन बनी जिन्होंने कांग्रेस सेशन को एड्रेस किया था खैर एओ ह्यूम ने इंडियन लीडर्स को कांटेक्ट किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन 1885 में बॉम्बे में ऑर्गेनाइज किया गया जिसे डब्ल्यू सी बैनर्जी ने प्रोसाइड किया था इसमें लगभग 72 डेलीगेट्स ने भाग लिया था धीरे धीरे आईएनसी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी और 1889 तक इंडियन डेलीगेट्स की इसमें संख्या 2000 तक पहुंच गई लेकिन आईएनसी इनिशियली एक एलिट ऑर्गेनाइजेशन ही रहा जो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस द्वारा डोमिनेटेड था आईएनसी के लीडर्स लार्जली लॉयर्स जर्नलिस्ट ट्रेडर्स इंडस्ट्रियलिस्ट टीचर्स और लैंडलॉर्ड क्लासेस से आते थे आईएनसी के एम्स की बात करें तो उनका सबसे पहला एम था नेशनलिस्ट लीडर्स में फ्रेंडली रिलेशंस को प्रमोट करना ताकि पॉलिटिकल यूनिफिकेशन में मदद मिले और आईएनसी को और स्ट्रेंथ मिले आईएनसी का दूसरा एम था नेशनल यूनिटी को अक्रॉस कास्ट क्लास और रिलीजियस लाइंस में डिवेलप करना ताकि पॉपुलर डिमांड्स को ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने एक यूनिफाइड तरीके से रखा जा सके और साथ में पब्लिक ओपिनियन को ट्रेनिंग के थ्रू ऑर्गेनाइज किया जा सके आई ने अपने फॉर्मेशन के बाद कई रिफॉर्म्स की डिमांड्स ब्रिटिशर्स के सामने रखी जिनकी चर्चा अब हम करेंगे शुरू करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे से ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स दोस्तों आई का सबसे पहला मुद्दा था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का शुरुआती दौर में नेशनलिस्ट लीडर्स की डिमांड थी कि गवर्नमेंट में उनकी हिस्सेदारी ज्यादा से ज्यादा हो बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी बाद में 1885 से 1892 के बीच आईएनसी लीडर्स ने लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपेंशन और वोटिंग राइट्स की डिमांड की वो चाहते थे कि काउंसिल में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को मेंबरशिप मिले और साथ में मेंबर्स की पावर भी इंक्रीज हो इसके चलते ही ब्रिटिशर्स को इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 को पास करना पड़ा जिसकी वजह से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एज वेल एज प्रोविंशियल काउंसिल्स में मेंबर्स इंक्रीज हुए काउंसिल को एनुअल बजट्स डिस्कस करने की ताकत भी दी गई लेकिन वोटिंग पावर नहीं दिया गया जिसकी वजह से नेशनलिस्ट्स एक्ट ऑफ 1892 से डिसटिस्फाइड थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे नेशनलिस्ट्स की डिमांड थी कि पब्लिक पर्स में इंडियंस का कंट्रोल हो न कि ब्रिटिशर्स का इसीलिए नो टैक्सेशन विदाउट रेप्रेजेंटेशन स्लोगन को प्रमोट किया गया जो अमेरिकन रेवोल्यूशन से लिया गया था साथ में सिर्फ कुछ मेंबर्स ही इंडियंस द्वारा इलेक्ट हो सकते थे वो भी इनडायरेक्टली इसके अलावा अभी भी नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स की मेजॉरिटी कंटिन्यूड रही बाद में ट्वेंटीएथ सेंचुरी की शुरुआत में नेशनलिस्ट लीडर्स ने ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा के सेल्फ गवर्निंग मॉडल को इंडिया में स्वराज्य के कॉन्सेप्ट के थ्रू रेज किया सबसे पहले स्वराज्य की डिमांड गोखले के बनारस सेशन 1905 और दादाबॉय नौरू जी के कोलकाता सेशन 1906 से हुई जिसकी चर्चा हम आने वाले वीडियोस में करेंगे आइए अब समझते हैं आईएनसी के नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा को ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इकोनॉमिक रिफॉर्म्स दोस्तों अर्ली नेशनलिस्ट लीडर्स ने ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज को एक्सपोज किया और समझाया कि कैसे वो हमारी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस पॉवर्टी और फेलियर ऑफ एग्रीकल्चर एंड मॉडर्न इंडस्ट्री का कारण है दादाबाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी के थ्रू यह क्लेम किया कि ब्रिटिशर्स इंडियन वेल्थ को इंडिया में इन्वेस्ट करने की बजाय उसे इंग्लैंड ले जा रहे थे यह थियरी इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के इकोनॉमिक एस्पेक्ट का फाउंडेशन स्टोन बनी खैर अर्ली नेशनलिस्ट्स ने पॉवर्टी को इरेडिकेट करने के लिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज को तेज गति देने का सजेशन भी दिया और साथ में नेशनलिस्ट चाह रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट टैरिफ और गवर्नमेंट एड के थ्रू मॉडर्न इंडस्ट्रीज को प्रमोट करे इसके अलावा लेटर फेज में नेशनलिस्ट लीडर्स ने स्वदेशी जैसे न्यू आइडियाज को पॉपुलराइज भी किया और ब्रिटिश गुड्स के बॉयकॉट को प्रमोट किया अपनी डिमांड्स को पूरा करने के लिए इंडियन लीडर्स ने कई आंदोलन भी किए जिनमें लैंड रेवेन्यू में रिडक्शन प्लांटेशन लेबरर्स के वर्किंग कंडीशंस में इंप्रूवमेंट सॉल्ट टैक्स का एबोलिशन और ब्रिटिश गवर्नमेंट की मिलिट्री एक्सपेंडिचर में रिडक्शन जैसी डिमांड्स इंक्लूडेड थी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिफॉर्म्स की एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिफॉर्म्स नेशनलिस्ट्स मांग कर रहे थे कि सिविल सर्विसेज में इंडियंस को इंक्लूड किया जाए ताकि इंडियंस का गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन बढ़ सके वो ये उम्मीद कर रहे थे कि इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विसेज ब्रिटिश गवर्नमेंट को इंडियन इश्यूज पर सेंसिटाइज़ करेगी जिससे उनकी कंडीशन इंप्रूव हो सकेंगी इसके अलावा फ़ाइनेंशियली बात करें तो सर्विसेज में यूरोपियन मोनापली के दो मुख्य नुकसान भी थे जिसके चलते नेशनलिस्ट्स इंडियनाइजेशन की डिमांड कर रहे थे पहला यह था कि सेम क्वालिफिकेशन होने के बाद भी यूरोपियन ऑफिशियल्स को काफी ज्यादा सैलरीज और इमोल्यूमेंट्स मिलते थे जिसकी वजह से इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट काफी ज्यादा हो जाता था वहीं इंडियन ऑफिशियल्स की सैलरीज और इमोल्यूमेंट्स कम होने के कारण एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर काफी कम हो सकता था दूसरा यूरोपियन ऑफिशियल्स अपनी सैलरीज का ज्यादा हिस्सा और पेंशन को इंग्लैंड में भेज देते थे जिसकी वजह से इंडियन ट्रेजरी का ड्रेन होता था अगर हम जुडिशल रिफॉर्म की बात करें तो नेशनलिस्ट्स की एक मेजर डिमांड थी सेपरेशन ऑफ पावर्स यानी एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का अलग करना इसके अलावा नेशनलिस्ट्स ने यह डिमांड भी रखी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस पे ट्रस्ट करे और उन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए आर्म्स रखने और यूज करने की परमिशन दे बाकी डिमांड्स में इंक्लूडेड था वेलफेयर स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज का एक्सपेंशन मॉडर्न एजुकेशन का मास लेवल पर स्प्रेड और टेक्निकल एजुकेशन और हायर एजुकेशन का प्रमोशन ताकि इंडियंस को ब्रिटिश रूल के इम्पैक्ट का रियलाइजेशन हो सके नेशनलिस्ट लीडर्स ने पेजेंट्स को मनी लेंडर के क्लचेस से बचाने के लिए एग्रीकल्चरल बैंक्स को इस्टैब्लिश करने की भी मांग की दोस्तों यहां यह मेंशन जरूरी है कि नेशनलिस्ट का ध्यान न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तक सीमित था बल्कि पेजेंट्स और फार्मर्स के एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स पर भी था जिसमें फार्मर्स को फैमिन से बचाने के लिए उन्होंने इरिगेशन को एक्सपैंड करने की मांग की नेशनलिस्ट लीडर्स ने पुलिस सिस्टम को भी रिफॉर्म करने की मांग की जिससे कि पुलिस ऑनेस्ट और सही तरीके से काम करे ताकि लोगों का विश्वास पुलिस पर बढ़े लेटर नेशनलिस्ट लीडर्स ने इंडियन वर्कर्स और इंडेंचर्ड लेबरर्स को भी डिफेंड किया जो साउथ अफ्रीका मलेया मॉरिशस वेस्ट इंडीज और ब्रिटिश गायना में काम कर रहे थे ताकि उनके वर्किंग कंडीशन को बेहतर और वेजेस को इंक्रीज किया जा सके इसके अलावा वो डिफेंस और सिविल राइट्स की भी मांग कर रहे थे इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस के इंपॉर्टेंस सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे थे क्योंकि अब तक नेशनलिस्ट को इनकी इंपॉर्टेंस समझ आ गई थी फॉर एग्जाम्पल एटीन में जब बॉम्बे गवर्नमेंट ने बी तिलक को ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलने और लिखने के लिए अरेस्ट कर लिया और पूना के दो लीडर्स नाटू ब्रदर्स को भी विदाउट ट्रायल अरेस्ट कर लिया गया तब पूरे देश में प्रोटेस्ट देखे गए इसी दौर में तिलक एक पावरफुल लीडर की तरह इंडियन पॉलिटिकल सीन में इमर्ज भी हुए थे तो दोस्तों ये तो बात हुई वेरियस रिफॉर्म्स की अब बात करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के पॉलिटिकल मेथड्स की जिसको नेशनलिस्ट लीडर्स ने अडॉप्ट किया मेथड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस दोस्तों 1885 से 1905 तक आईएनसी में मॉडरेट लीडर्स का डोमिनेंस रहा जैसे दादाबाई नौरोजी सुरेंद्रनाथ नाथ बैनर्जी आर सी दत्त डब्ल्यू सी बैनर्जी फिरोज शाह मेहता गोपाल कृष्ण गोखले राजबिहारी बोस और एम जी रानडे मॉडरेट्स ग्रेजुअल रिफॉर्म्स और स्लो चेंज में विश्वास रखते थे वो ब्रिटिश रिप्रेशन से अवेयर थे और इसीलिए वो किसी भी तरीके के नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रगल में विश्वास नहीं करते थे इसीलिए उनके मेथड्स को पेटिशन प्रेयर्स एंड प्रोटेस्ट्स या थ्री पी मॉडल के लेंस से देखा जाता था मॉडरेट लीडर्स अपने इश्यूज को जुडिशल रूट्स पटिशन टू गवर्नमेंट और राइटिंग इन न्यूज़पेपर्स जैसे टूल्स के थ्रू रेज करते थे और ये उम्मीद करते थे कि अगर ब्रिटिशर्स को इंडियंस के हालातों के बारे में अवेयर करवाया गया तो वो उन्हें सुधारने की कोशिश करेंगे वो अपनी स्पीचेस के थ्रू पॉलिटिकल अवेयरनेस को स्प्रेड करने के साथ ही साथ पब्लिक ओपिनियन को भी रेज करते थे इससे मॉडरेट लीडर्स ने इंडियन फ्रीडम मूवमेंट को फाउंडेशन देने का काम किया और डिफरेंट रीजन के लीडर्स को एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया इन द फॉर्म ऑफ आईएनसी। आइए ब्रिटिश गवर्नमेंट के आईएनसी के प्रति एटीट्यूड को समझते हैं ब्रिटिश रिएक्शन टू तो आईएनसी। दोस्तों ब्रिटिश गवर्नमेंट शुरू से ही इंडियन नेशनल मूवमेंट के प्रति काफी हॉस्टाइल थी ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने नैशनलिस्ट लीडर्स को डिसलॉयल बाबूज सेडिशियस ब्राह्म और वायलेंट विलिन से संबोधित किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आईएनसी की कुछ डिमांड्स को एक्सेप्ट भी किया लेकिन ज्यादातर डिमांड्स को निग्लेक्ट किया साथ में आईएनसी के प्रोटेस्ट को रिप्रेसिव पुलिस एक्शन के थ्रू दबा दिया गया और सेडिशन के चार्ज में नेशनलिस्ट लीडर्स को जेल में डाल दिया गया जिसमें तिलक का नाम इंपॉर्टेंट है खैर अब हम इवेल्युएट करते हैं आईएनसी में मॉडरेट फेज के सक्सेस को इवेल्यूएशन ऑफ मॉडरेट फेज दोस्तों मॉडरेट लीडर्स की सबसे इंपॉर्टेंट सक्सेस थी कि इन्होंने नेशनल अवेकनिंग को प्रमोट किया इसके साथ ही ब्रिटिशर्स का असली चेहरा इंडियंस के सामने एक्सपोज करने का काम भी किया नेशनल मूवमेंट के मॉडरेट फेज में आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी को भी प्रोपेगेट किया गया था मॉडरेट लीडर्स ने ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक कैरेक्टर को एक्सपोज करने के साथ एक कॉमन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रोग्राम को भी इवॉल्व किया इसके अलावा मॉडरेट फेज ने ही इंडियंस को यह मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस दिया कि वो खुद को गवर्न कर सकते हैं और उन्हें ब्रिटिशर्स की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों ये तो हुई कहानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन से लेकर मॉडरेट फेज के अचीवमेंट्स तक की आने वाली वीडियोस में हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक्सट्रीमिस्ट फेज को देखेंगे जिसने नेशनल मूवमेंट को एक नई दिशा दिखाने का काम किया स्टडी आईक्यू आईएएस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल